स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी कक्षा 12 और 10 के बारे में। तो आइए देखते हैं हिंदी कक्षा 10 और 12 के बारे में बात करेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लाए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, अगर आप इनमें से आप 8 भी सही कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो हर बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए। आप इस वीडियो को सीरीज पहली है। अगर ये इसकी 2-3 सीरीज लाएंगे, अगर आप पूरी सीरीज देखते हैं, तो आपके पूरे हिंदी के पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपके बहुविकल्पी में से 10 के 10 पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सो आप अगली भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को आप देख सकें। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हैं। जो भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग के किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो स्टूडेंट, इसमें से हमारा कवि वचन सुधा हमारा जो है, ये भारतेंदु युग की किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है हम, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं हमारा राइट आंसर है काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने इनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ये कि स्क्रीन पर आ गया है, तो छायावाद उत्तर काल के लेखक हैं। तो छायावाद उत्तर काल का लेखक कौन है? तो छायावाद उत्तर काल का लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी, ये हमारे छायावाद उत्तर काल का लेखक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ये छायावाद उत्तर गद्य के लेखक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि को राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, जिनको राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर आ गया है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, यानी कि सन 1957 में पद्म भूषण से किसको अलंकृत किया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, इनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ था इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार? इनको समाजवाद पर इन्हें मंगला प्रसाद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि की गद्य विधा है, तो चिंतामणि की गद्य कौन सी विधा है? निबंध। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो स्टूडेंट, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, जो भारत दुर्दशा इनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसन रंजन कृति के लेखक कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी आगे की वीडियो भी देखनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो स्टूडेंट, आप अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।